गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं आलोक आप लोगों का ग्रैंड मास्टर 360 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा 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 मजबूत कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट भी आ गई है, ठीक है। आपके UPP की डेट आ गई है, RO की डेट आ गई है, आपके PCS की भी डेट जल्दी ही आने वाली है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ आपको मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुँच सके, सभी लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। तो आज की क्लास जो हमारी है वो एक कंपाइलेशन होगा वीकली करंट अफेयर्स का। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक दिन पीछे चलना सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदे में रखता है। अगर आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, जैसे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, सुबह कोई न्यूज़ आई, आपने पढ़ी उस न्यूज़ को और शाम तक उसमें कोई अपडेट हो गया, तो आपने जो सुबह पढ़ा था वो तो वही पढ़ा है आपने। और अगर आप एक दिन बैक डेट पे चलते हैं, ठीक है, जैसे आज 8 तारीख है और हम 7 तारीख का करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो 8 को सुबह सुबह 7 को पूरे दिन क्या हुआ, ये चीज़ें हम आसानी से जान सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक अच्छे मोटिवेशन के साथ। तो कहते हैं कि हौसले के तर्कस में जिंदगी का वो तीर जिंदा रखो। क्या कहते हैं कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, ठीक। तो आपने अभी तक जो कुछ भी किया है उस सब को एक बार भुला के नए सिरे से अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। जिसने भी थोड़ी सी भी तैयारी की है, ठीक है, आप सफल नहीं हुए वो अलग बात है। तो आपको जानना जरूरी ये है कि आपको अभी भी जीरो से नहीं शुरू करना, ठीक है। आप उन लोगों से आगे हैं जो अभी जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए, हमने क्या बोला था, हम करने वाले हैं पूरे वीक का क्या करेंगे हम, कंपाइलेशन, ठीक है, पूरे वीक का कंपाइलेशन करेंगे। और वो कंपाइलेशन कब से कब तक के होगा, तो वो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का होगा, ठीक। कब से कब तक का, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का कंपाइलेशन करंट अफेयर का होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रमों को पढ़ेंगे जो नेशनल इशूज हैं, और हम क्या पढ़ेंगे, तो और हम जो इससे रिलेटेड आपके जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, तो क्या होता है वो अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है, या फिर जो राज्य विशेष से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं वो हो गए, या फिर कोई पुरस्कार हो गया, ठीक है, सम्मान हो गया, या फिर नियुक्तियां हो गई, ठीक, क्या है, नियुक्तियां हो गई, ठीक, खेल से संबंधित। और इस हफ्ते में महत्वपूर्ण दिन और दिवस कौन कौन से थे, तो इन सब सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक कंपाइलेशन देखेंगे इनका, पढ़ेंगे इनको, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे खेल से, स्पोर्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में स्पोर्ट को लेकर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो घटित हुई हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो क्या हुआ, विराट कोहली को क्या दिया गया, एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किनके किनके बीच में फाइनल वोटिंग हुई थी, तो फाइनल वोटिंग हुई थी लियोनेल मेसी वर्सेस विराट कोहली, ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच में फाइनल वोटिंग हुई थी। आपको पता है भारतीय क्रिकेट के जाने माने चेहरे कौन है, विराट कोहली हैं। इनके नाम का सबसे जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं वो इनके नाम पर हैं,
ये अभी क्या है सेकेंड नंबर पर है सेंचुरी बनाने में, शतक बनाने में। इनके ऊपर कौन है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, अगर वो भी देखा जाए ओवरऑल तब। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक दिवसीय मैच में, वनडे मैच में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है, वो है विराट कोहली के पास। किसके पास है, विराट कोहली के पास ये रिकॉर्ड है। ठीक, क्लियर सभी लोगों को। ठीक है, तो इस साल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का जो शतक बनाने का जो रिकॉर्ड है वो भी किसके पास है, विराट कोहली के पास है, मतलब वर्ष 2023 में। ठीक है, इस साल का मतलब क्या हो गया, वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा जो सेंचुरी बनाई है वो किसने बनाई है, विराट कोहली ने बनाई है। इनको क्या चुना गया है, ये आपको याद रखना है, प्यूबिटी स्पोर्ट सर्वे। ठीक है, क्या प्यूबिटी स्पोर्ट सर्वे में इनको क्या चुना गया, इनको चुना गया है एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, इनको क्या चुना गया है, एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। क्लियर है सभी लोगों को, आगे चलें। फिर क्या है, आपको पता होगा डेविड वार्नर हैं, डेविड वार्नर ने क्या किया, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। कहां से संन्यास की घोषणा कर दी, इन्होंने टेस्ट मैच से। ठीक, तो वार्नर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अपने घरेलू मैदान पर तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान पर 8 विकेट से जब जीत हासिल की, उसी के साथ अपने टेस्ट कैरियर के हैप्पी एंडिंग की क्या कर दी, इन्होंने घोषणा कर दी। तो ये एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको याद रखना है, बहुत सारे उसमें ये क्या है आपको आईपीएल में भी नजर आते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं। तो वार्नर ने क्या किया है, टेस्ट संन्यास ने घोषणा कर दी है। ठीक, इन्होंने क्या किया है, एक आईसीसी विश्व चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप, दो आईसीसी वर्ल्ड कप और एसएच। ठीक है, इस सब में ये क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ये खिलाड़ी थे। जब ऑस्ट्रेलिया ने इन क्या इनको क्या किया, जीता। आपको पता है वर्ष 2023 का वो पल जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर उदासी आ गई थी क्योंकि भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पूरे वर्ल्ड कप में एकमात्र मैच हारे थे। ठीक है, तो वो भी मैच हमने वो हारा जो फाइनल का था। ठीक, तो वो क्या होता है, इंडिया में क्या है कि मेंटल प्रेशर जनरेट हो जाता है ना, और वही मेंटल प्रेशर जो है वो जो हमारे प्लेयर्स थे वो शायद नहीं झेल पाए। ठीक, क्योंकि हमने उम्मीदें जो हैं वो ऐसी लगाई कि हम उस हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। तो आप जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और वो आपके साथ हो जाता है तो फिर दुख जो है वो ज़्यादा होता है ना। तो धोखा कलयुग का एक प्रसाद है जो बार बार सबको बारी बारी से मिलेगा, तो इसीलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हर किसी से। ठीक है, अपने काम को करिए, खुद से अपने ऊपर भरोसा रखिए। जैसे बताया कि हौसले के तर्कस में एक तीर जिंदा रखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं खेल से। क्या है, वार्नर ने क्या किया, संन्यास ले लिया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाएगा कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया, टेस्ट से। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, अनाहत सिंह जी हैं। ठीक है, अनाहत सिंह ने क्या किया, अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, क्या है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023, ये क्या है, प्रतियोगिता का नाम है। इसमें क्या किया इन्होंने, इसको क्या किया, जीत लिया। ठीक है, हराया किसको, हराया इन्होंने रॉबिन मेक अल्पाइन को। ठीक है, आपको ये आंकड़े जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने से मैच में हर पारी का, हर एक सेशन का क्या स्कोर रहा, इससे मतलब नहीं है। अनाहत जी ने क्या किया, पहली बात तो ये महिला है, तो अनाहत जी ने क्या किया,
स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 में रॉबिन मेक अल्पाइन को हराया और उसके बाद इन्होंने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की रहने वाली हैं। ठीक है, और अंडर 19 में सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में डबल रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने क्या जीता है, एक तो कांस्य पदक जीता है, कब, एशियन गेम्स में अभय सिंह के साथ। मतलब एक सिंगल्स होता है, एक डबल्स होता है। सिंगल्स में क्या होता है, खिलाड़ी अकेले खेलता है, और डबल्स में क्या होता है, दो लोग एक साइड, दो लोग एक साइड, मतलब जोड़े के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो डबल्स में इन्होंने क्या किया, एशियन गेम्स में अभय सिंह के साथ क्या किया, खेला और क्या जीता, कांस्य पदक जीता। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, आगे चलते हैं। फिर क्या है, एन अजीत सिंह और अजय सिंह। ठीक है, अजीत सिंह और एक मिनट, हाँ ठीक, एन अजीत और अजय सिंह क्रमशः 73 केजी और 81 केजी। ठीक, इसमें क्या किए, ये विजेता बने हैं। ठीक है, किसमें, भारतीय सीनियर कॉमन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में, किसमें, सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, प्रतियोगिता का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो प्रतियोगिता के नाम को लेकर ही बनता है। तो प्रतियोगिता के नाम को लेकर जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको वहां पर ये चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो किस प्रतियोगिता में इन्होंने जीता, सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में क्या किया है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसने जीता है, 73 किलोग्राम वर्ग में एन अजीत, ठीक है, और 81 किलोग्राम वर्ग में अजय सिंह। तो आपको दोनों जो नाम है, अजीत और अजय, ये मतलब एक आसानी से ऐसे याद रखना है आपको, दोनों ने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता, जबकि हरजिंदर कौर ने क्या जीता, सिल्वर पदक जो है वो जीता। ठीक है, तो हरजिंदर कौर क्या है, महिला है, 71 किलोग्राम के जो 71 केजी का वर्ग था उसमें क्या थी, सेकंड स्टेज पर थी, सेकंड लेवल पर थी या फिर दूसरे स्थान पर थी। तो आपको पता है तीन लेवल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहले पर आप जीते तो आपको मिलता है गोल्डन, ठीक है, दूसरा आप जीते तो आपको मिलता है सिल्वर, और तीसरा आप जीतते हैं तो आपको मिलता है ब्रॉन्ज। मतलब स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ये तीन पदक आपको जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों को ये पदक जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक, फिर उसके बाद पुरस्कार और सम्मान। ठीक, अब पुरस्कार और सम्मान में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले, हम इसको पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में लोक नीति संवाद 2024 के दौरान। ठीक है, किसके दौरान, लोक नीति संवाद 2024। ठीक है, ये क्या है, ये आयोजन है। ठीक है, ये क्या है, आयोजन है या फिर कार्यक्रम है। ठीक, मिला किसको, स्वामित्व योजना को मिला, कौन सा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार। ठीक, अब स्वामित्व योजना क्या है, तो स्वामित्व योजना क्या है, स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है जो ड्रोन का उपयोग करके क्या है, भूमि पैमाइश के लिए क्या दिया जाता है, लोगों को उनके स्वामित्व दिए जाते हैं, उसका अधिकार दिया जाता है उनको, उनकी जमीन का। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया, ये एक क्या है, भूमि प्रबंधन पहल है। ठीक, डिजिटल भूमि प्रबंधन, यहां पर क्या है, जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन की मदद से एक रेखांकन किया जाता है, सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, सबको उनकी जमीनें आवंटित की जाती हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पर होती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन सा दिया गया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया। एक मिनट, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्या दिया गया,
हाँ चलिए तो आगे बढ़ेंगे। कलर कौन सा सही लगेगा आप लोग जरा बताइएगा। ठीक है चलिए, तो फिर क्या है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने, ठीक है ठीक, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने क्या दिया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। ठीक, अब ये पुरस्कार दिया कहाँ जाएगा, तो ये पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा तो कौन प्रदान करेगा इसको, प्रदान करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन प्रदान करेगा, प्रेसिडेंट प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आप अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, तो ये क्या होते हैं, ये जो संघ की कार्यपालिका होती है उसके प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ठीक है, पद की चर्चा कहाँ की गई है, पद की चर्चा इनकी की गई है अनुच्छेद 52 में। ठीक, किसकी चर्चा, इनके पद की चर्चा। ठीक है, इनका एक क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, इनके निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेता है, तो पहला जो भाग लेंगे वो लेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग लेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो इसमें भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा के भी कौन लेंगे, निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तीसरे कौन होते हैं, तीसरे होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के, कहाँ के, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं सारी राज्य। ठीक है, सभाओं के कौन, निर्वाचित सदस्य, कौन भाग लेगा, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और चौथा कौन लेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये इतने लोग जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। फिर एक आता है अनुच्छेद 61, इसमें चर्चा की जाती है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के बारे में। महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट, मतलब इनको हटाना, और उसका आधार क्या हो सकता है, तो उसका आधार सिर्फ ये हो सकता है कि संविधान का उल्लंघन। ठीक है, क्या, संविधान का उल्लंघन। ठीक, क्लियर है ये सारी चीजें। क्या है आधार इसका, संविधान का उल्लंघन इसका आधार है। महाभियोग भी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है, एक जगह से स्टार्ट किया जाएगा, पास होगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटा दिए जाते हैं। तो आप इसको पॉलिटी में बेटर उससे पढ़ेंगे। इसमें जो भाग लेते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो हट जाती हैं, दिल्ली और पुदुचेरी की भी विधानसभा हट जाती है, यही जो है वो भाग लेते हैं। तो क्लियर हो गया। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, अगला जो है, वैंकूवर में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास, न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास, और निकोसिया साइप्रस में भारत के उच्च आयोग ने मिशन में एक एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, क्या प्राप्त किया इन लोगों ने, एक जिला एक उत्पाद का पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया। ठीक है, तो ODOP जो है, ठीक है, क्या है ODOP, ये क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, क्या है ये, ODOP, क्लियर, ये क्या है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक, इसमें क्या है कि हर जिले से, ठीक
ठीक है। तो देखिए हर जगह का कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेशलिटी होती है, ठीक है, कुछ विशेषता होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए क्या चलाया गया, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वो चलाई गई। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा अलीगढ़, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, गलत हो गया ये अलीगढ़। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा क्या है अलीगढ़, है ना? तो अलीगढ़ का क्या फेमस है, ताला, है ना? इसी तरह खुर्जा जिला है, क्या फेमस है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, क्या है बर्तन। इसी तरह आपको अमेठी जिला मिलेगा या फिर आपको सुल्तानपुर मिलेगा, ठीक, यहाँ का क्या फेमस है, तो यहाँ का आपको मूंज के सामान, किसके सामान, मूंज के सामान जो है वो मिलेंगे, ये फेमस है। फिर उसके बाद जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिर्जापुर है भैया, कालीन भैया, ठीक है, क्या है मिर्जापुर में क्या है, कालीन भैया हैं, तो यहाँ की कालीन फेमस है। और इसी के साथ साथ भदोही की भी कालीन भदोही की भी क्या है, कालीन जो है वो फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हर जिले को एक स्पेशल क्या है, आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, उनको एक विशिष्ट पहचान दी गई है कि ये जो स्थान है ये विशेष, इसको क्या है, इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। तो ODOP योजना के अंतर्गत किसको किसको, वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास, ठीक है, न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूतावास, निकोसिया साइप्रस के दूतावासों को दिया गया। वैश्विक स्तर पर कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। इसको किसने किसने दिया, तो जयशंकर और पीयूष गोयल ने, ठीक है। तो एस जयशंकर क्या है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, और पीयूष गोयल क्या है, ये व्यापार मंत्री या फिर वाणिज्य मंत्री जो है वो हैं। तो ये अवार्ड जो है इन लोगों को दिया गया। आगे चलते हैं, फिर क्या है कि कौन है, रूपिका ग्रोवर, ठीक है, इनकी जो एज है ये लगभग 55 साल की है, ठीक है, और ये 55 साल की उम्र में मिसेस इंडिया 1 इज़ ए मिलियन 2023, 2023 का जो अवार्ड है वो जीता। तो इनके हिसाब से मतलब इन्होंने क्या संदेश दिया, तो साफ सा संदेश दिया इन्होंने कि देखिए उम्र कुछ नहीं होती है, ठीक है, ठीक, उम्र कुछ नहीं होती है। इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में भी क्या किया, मिसेस इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, नाम क्या है, रूपिका ग्रोवर, ठीक है। तो देखेंगे आप तो ये बीच में है, यही है मिसेस इंडिया 1 इन ए मिलियन, ठीक है। तो देखिए मेकअप का कमाल होता है, 55 साल वाली भी 25 की लगती हैं, ठीक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कलयुग धोखा कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी से सबको मिलेगा, तो आपको भी मिलेगा शादी के टाइम पर, जब मेकअप वाला प्रोडक्ट आपको थमाया जाएगा, बाद में आप अनरैप करेंगे तो उसमें से कुछ और निकलेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, ठीक है। तो ये मजाक की बात थी, इसको कोई ऐसे सीरियस नहीं लेगा, पता लगा कल को क्लिप निकाल के बोल रहे हैं सर जी ने तो ऐसा बोला है, ठीक। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो इसको ये किसको दिया गया, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, CCS, आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये हरियाणा में है सर, ठीक है, क्या है, हरियाणा में स्थित है। इसके जो कुलपति हैं BR कंबोज, ठीक है, कौन है इसके कुलपति, इसके कुलपति हैं BR कंबोज। इनको क्या दिया गया, इनको दिया गया MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक। अब MS स्वामीनाथन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन थे, MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक, ठीक है, कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन,
स्वामी नाथन, ठीक है। और हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई थी, तो ये कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ठीक है। इसी तरह आप सुने होंगे सफेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति, ठीक है। ये किससे संबंधित थी, दुग्ध से संबंधित थी। और इसके जो संस्थापक थे या फिर इसके जो जनक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। किसको माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसी श्वेत क्रांति को बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड। क्या बोला जाता है इसको, ऑपरेशन फ्लड जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक। तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया, बी आर कंबोज को दिया गया। ये क्या है, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, ठीक। तो इनको इनके योगदान के लिए, तो योगदान के लिए ही अवार्ड दिया जाता है, सिर्फ फालतू में नहीं दिया जाता किसी को भी, क्योंकि हमको आपको तो नहीं मिला, तो इन्होंने कुछ योगदान दिया है उस क्षेत्र में, इसलिए इनको मिला है, ठीक है। तो किसको मिला, बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो दिया गया। यह पुरस्कार समूह, ठीक है, ठीक ठीक है, क्या है, यह पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय एक स्वास्थ्य एक विश्व विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया इनको, ठीक है। तो कहाँ दिया गया, तो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, थीम क्या थी, एक स्वास्थ्य एक विश्व, वन हेल्थ वन वर्ल्ड, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद दूसरी न्यूज क्या है, अडानी समूह तेलंगाना में एक डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क की क्या करेगा, स्थापना करेगा। दूसरी न्यूज अडानी से संबंधित यह है कि आप लोगों को पता होगा कि विश्व में सॉरी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो अभी कौन थे, अभी तक एशिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति थे वो कौन थे, वो थे अंबानी साहब आपके, ठीक है, कौन थे, अंबानी जी थे। तो अभी इनको समाप्त करके अडानी जो हैं वो फिर से एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है, क्या है, सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये कोई ऐसा करंट अफेयर नहीं है, क्योंकि ये सब चेंज होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, बदलती रहती हैं, तो इससे आपको ज़्यादा वो नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है नियुक्तियां, ठीक है, कौन कौन से लोग कहां कहां नियुक्त किए गए, तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप प्लीज 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 याद रखेंगे, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक ADB का क्या बनाया गया, कार्यकारी निदेशक बनाया गया। किसको, विकासशील, ठीक है, विकासशील ये इनका नाम है। ये कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, भारत के हैं, ठीक है। तो इनको क्या बनाया गया, मनीला में, जो फिलीपींस में स्थित क्या है, मनीला क्या है, ADB जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी क्या है, ये मुख्यालय है, क्या है, मुख्यालय है। तो इसका कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया, विकासशील को, ठीक है। फिर सेंथिल पांडियन है, ठीक, सेंथिल पांडियन को क्या बनाया गया, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया, ठीक। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट या फिर तीसरी न्यूज क्या है, तीसरी न्यूज है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIF, ठीक है। इसमें संजीव अग्रवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो है वो नियुक्त किया गया है। किसको, संजीव अग्रवाल को, ठीक। फिर रघुराम अय्यर को क्या नियुक्त किया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब CEO, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं वो होते हैं, तो किसको, रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है, ठीक। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे, अगली न्यूज क्या है, जस्टिस BR गवई को क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति, क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग बताएंगे कि अभी
मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक। आपको बताना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप कमेंट में करेंगे और कल मैं इसका सही जवाब आपको बताऊंगा, या फिर कमेंट में मैं इसका आंसर जो है वो बता दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जस्टिस बी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला जो है वो महाराष्ट्र पुलिस की नई पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी जो है वो बनी, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगली न्यूज क्या है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, ठीक है, इनको क्या बनाया गया, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ठीक है, क्लियर। फिर बिहार के मुजफ्फरपुर के रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी, ठीक है, किसमें, सेबी जो है, सेबी ने क्या किया, गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद वाइस एडमिरल संजय जय सिंह, ठीक है, क्या, वाइस एडमिरल संजय जय सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला। तो इनको क्या बनाया गया है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना का, ठीक है। इन्होंने जगह किसकी ली, तो इन्होंने जगह ली दिनेश के त्रिपाठी की, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, ये नियुक्तियां हैं। अब उसके बाद आते हैं हम नेशनल जो हाइलाइट्स हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उन पर आते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या है, तो अभी आप काफी न्यूज में देख रहे होंगे ये बात कि जो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो चर्चा में आ गया है, क्यों, क्योंकि पीएम मोदी ने वहां से क्या किया, कुछ फोटो शेयर की, और उसके बाद जो मालदीव है और लक्षद्वीप है, ठीक है, तो मालदीव एक अलग देश है और लक्षद्वीप क्या है, भारत का एक द्वीप समूह है, ठीक है। अगर आप देखेंगे भारत का मानचित्र देखेंगे तो ये है क्या, हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत जो होगा तो यहाँ पर इधर साइड तो आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इधर साइड जो ये एरिया है यहाँ पर आपको बहुत सारे द्वीप समूह मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप, ठीक है, और इधर साइड आपको क्या मिल जाता है, अंडमान निकोबार, है ना। तो ये जो चीज है लक्षद्वीप जो है वो चर्चा में है। यहाँ पर क्या किया, पहली बात तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की जो है इन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया, और भी बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और एक बीच से अपनी फोटो भी शेयर की, ठीक है, और उस फोटो को शेयर की जब उन्होंने, तो बहुत सारी जो मतलब मालदीव के तीन मंत्री थे, मंत्री स्तर के नेता थे, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की उस फोटो पर, तो उसके उसमें जो है वो एक रिटेलिएशन देखने को मिला भारतीय मीडिया में, या फिर तो आपने देखा होगा ट्विटर पे क्या चला, ट्विटर पे चला बायकॉट मालदीव, है ना। तो इससे देखिए मालदीव क्या है, छोटा सा देश है, टापू देश है, उसमें क्या है कि उसका जो इकोनॉमी है जो उसकी, वो डिपेंड करती है टूरिज्म पर, और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं। तो इंडिया को गुस्सा ना हो, इंडिया के लोग गुस्सा ना हो, मालदीव का बायकॉट ना हो, इसके लिए मालदीव के जो सरकार है वहाँ की, उन्होंने क्या किया, उन तीन जो मंत्री थे उनको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो ये क्या है, एक विश्व स्तर पर भारत की अलग बनती हुई पहचान है, ठीक है, आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात ये नहीं है किसी नेता को, किसी पार्टी को सपोर्ट करने की, आप हमेशा सपोर्ट कीजिए उनकी नीतियों को, ठीक है, हमेशा आपको वोट देना है, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको वोट देना है, आपने वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो
तो आप उनके कार्यों को देखकर वोट दीजिए, ठीक है। ये जाति पाति देखकर वोट देने का मतलब नहीं है। आपने जवान मूवी में देखा होगा, शाहरुख खान एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है लास्ट में, वो यही है, ठीक है, कि जब इस उंगली का यूज करना है तो उसको ढंग से कीजिए, है ना। तो चीजें यहां से निकल कर सामने आती हैं, और कहा भी जाता है कि वोट अपने नेता के कार्यों को देख कर दीजिए, ठीक है। जाति देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं चुना जाता, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो सामने आती हैं, ठीक। दूसरी न्यूज क्या है, सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 64 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे। आयुष्मान कार्ड क्या है सर? तो ये 15 लाख, सॉरी, ये 5 लाख तक का जो है वो क्या है, स्वास्थ्य बीमा एक तरह से लोगों को प्रदान करता है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको खूंटी जिले से स्टार्ट किया था किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इन्होंने स्टार्ट किया था इसको 15 नवंबर को, ठीक है, कहां से? झारखंड के खूंटी से, ठीक। किसे? विकसित भारत संकल्प यात्रा, और यहीं से आयुष्मान कार्ड 2.0 को भी स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अर्बन स्क्वायर का उद्घाटन किया, ठीक। अर्बन स्क्वायर कहाँ उद्घाटन किया गया इसका? तो इसका उद्घाटन किया गया प्रगति मैदान में। कहां पर? प्रगति मैदान में किया गया, कहां पर? भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम में इसका किया गया अर्बन स्क्वायर का उद्घाटन। यह क्या है? एक प्रदर्शनी है जो विजिटर्स को हथकरघा, मतलब हैंडलूम, और उससे मतलब जैसे हर चीज जो हाथ से निर्मित है, ठीक है, उसमें क्या है, हथकरघा आ जाता है, जो हाथ से बने कपड़े होते हैं, दरी हो गई, चटाई हो गई, कालीन हो गई, पर्दे हो, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर मिट्टी के बने बर्तन, या फिर पैक्ड फूड, हस्तशिल्प, ये सारी चीजें जो है इनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में, और क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट चार्टर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन, ठीक है, क्या किया यहां पर, ग्लोबल, ठीक, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन में अपने सीए इंडिया लोगों का अनावरण किया, क्लियर। उसके बाद क्या किया, द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2003 को अपनी सहमति दे दी। इसको लोकसभा और राज्यसभा से पहले ही पास किया जा चुका है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इसमें क्या है, तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के नियुक्ति, उनकी सेवाएं, उनका वेतन, उनका भत्ता, उनके जो विशेषाधिकार हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें, उनका कार्यकाल, ये सारी चीजें यहां पर विनियमित की गई हैं, ठीक। फिर क्या है, भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन योजना के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को क्या किया, नामांकित किया है, ठीक। ये क्या है, एक जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमिया हैं, उनको संरक्षित करने के लिए क्या है, ये इंटरनेशनल वैल्यूज उनको देता है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो है वो प्रदान करता है, क्लियर है सभी लोगों को। उसके बाद लास्ट क्या है, आपका आखिरी न्यूज क्या है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 4 जनवरी को क्या किया, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली में उभरती और भविष्य की ई गवर्नेंस पहल, ठीक, और ई कॉमर्स पहल तथा उभरती प्रौद्योगिकियों विषय पर विचार मंथन सत्र का आयोजन किया, क्लियर है। तो ये तो मैंने मतलब आपको ऐसे ही दे दिया था, ये पेपर में आने वाली न्यूज़ नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना डेटा कैसे याद होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ से लड़कियों वाली न्यूज आ जाती है, थोड़ी सी लड़कियों वाली न्यूज क्या है सर, कि लोरियल आप सबको पता होगा, एड आता है, एक मेकअप ब्रांड है, तो लोरियल की जो मालकिन है या फिर उत्तराधिकारी है, जिनका नाम है फ्रंकोइस बेडनेट कोर्ट मेयर्स, ठीक है, तो ये क्या है, दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई है, ठीक। क्या है ये, मतलब अमीर का मतलब सबसे ज्यादा संपत्ति वाली महिला बन गई है, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो अभी अभी इनके पास कितना पैसा हो गया टोटल, तो इनके पास हो गया 100 अरब डॉलर का,
ठीक है, इनके पास 100 अरब डॉलर की जो है वो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो हो गई है। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, फेलिक्स सेसेकेदी, ठीक है, फेलिक्स सेसेकेदी ने क्या किया, कांगो के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जीत लिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, तीसरी न्यूज क्या है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला था अर्जेंटीना, लेकिन उसने ऐन वक्त पे क्या किया, मना कर दिया कि हम नहीं शामिल होंगे, हम अपना कदम पीछे खींचते हैं, ब्रिक्स हमें फायदेमंद नहीं लग रहा है, तो हमें ब्रिक्स में शामिल नहीं होना है। फिर उसके बाद न्यूज क्या है, उसके बाद न्यूज ये है कि चीन ने एक बहुत ही खतरनाक चीज का जो है वो शुभारंभ किया है, और वो क्या है, एक जहाज है, और वो जहाज क्या करती है, समुद्र में रहती है और समुद्र में रह के खनन करती है। तो सर पानी कैसे खोदेगी, पानी नहीं खोदती है, पानी के नीचे जब स्थल आ जाता है, जमीन आ जाती है, तो वो उसका खनन करती है। तो आपने सुना होगा कि मोह असंबद्धता है, ठीक है, क्या है, मोह असंबद्धता है। ठीक, मोह असंबद्धता कहाँ पर है, तो वो जो आपने सुना होगा क्रस्ट मेंटल कोर, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसको क्या बोला जाता है, मोहोरविक या फिर मोह असंबद्धता उसको बोला जाता है। तो इस जहाज का नाम है मेंगजियांग, ठीक है, जहाज का नाम क्या है, मेंगजियांग है, और ये क्या है, समुद्र में खनन करेगी, और इसका उद्देश्य क्या है, मेंटल तक जाना है इनको, ये मेंटल हो गए हैं खुद भी, क्योंकि देखिए जो चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कितनी खोज करना चाहते हैं, आपके पास अभी भी वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4% ही खोजा है, 96% को वो डार्क मैटर बोल देते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। ये जो भी आप देख रहे हैं परमाणु बम से लेके हाइड्रोजन बम से लेके सुतली बम तक, ये सिर्फ और सिर्फ इसी 4% में आता है, सूर्य से लेके पृथ्वी तक, ग्रहों से लेके उपग्रह तक, प्राकृतिक से लेके कृत्रिम तक, सारी चीजें जो हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर हाथी तक, फेल तक, जो भी चीजें हैं वो इसी 4% में आती। ठीक, क्लियर है। उसके बाद क्या किया गया, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक किसको घोषित किया गया, हिम तेंदुए को घोषित किया गया। हिम तेंदुआ जो है वो क्या है, हिम तेंदुआ जो है एक क्या है, जीव है, जो कहाँ है ये, आप जब हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में, तो हिम तेंदुए को किर्गिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया गया है। किर्गिस्तान क्या है, किर्गिस्तान एक स्वतंत्र देश है जो पहले किसका हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था, अब वो क्या है, एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है। ठीक, अब आ जाते हैं अपने इकोनॉमी के पोर्शन पर। इकोनॉमी का पोर्शन क्या बताता है, आपका वित्त वर्ष 2022-23 में जो वस्तु निर्यात है वो 6.03% से बढ़ गया है, और ये कितने डॉलर का हो गया, तो ये 447.46 अरब डॉलर का हो गया है। इसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो क्या है, पेट्रोलियम है, फार्मा है, फार्मा मतलब मेडिकल, और उसके बाद क्या है, केमिकल है, समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी रही। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, निर्यात जो किया गया, मतलब निर्यात मतलब जो चीजें देश से बाहर भेजी गई। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, दिसंबर में जो बीत गया, ठीक है, तो दिसंबर में यूपीआई का लेन देन जो है वो 42% तक बढ़ गया, तो बढ़ भी जाएगा, आजकल सब्जी पानी पूरी से लेकर आप सुलभ शौचालय में जाएंगे तो आप बाथरूम जाएंगे तो 5 रुपये आप फोन पे कर सकते हैं, तो अगर हर जगह ये चीज़ सुविधा है, डिजिटल इंडिया है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये अब साल दर साल, महीने दर महीने इसकी जो ये इवेल्यूशन है ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तीसरी न्यूज़ क्या है, फ्लिपकार्ट के जो सह संस्थापक हैं, को फाउंडर, आप लोग जानते होंगे कौन है, बिन्नी बंसल। तो बिन्नी बंसल ने ओप्पो डोर नामक एक क्या है, ये अपना नया स्टार्टअप जो है वो लेकर आए हैं। ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है कंपनी, ये रजिस्टर्ड है सिंगापुर में। ठीक है, तो ये चीजें हैं इकोनॉमिक से आपकी। और क्या है, वित्त मंत्रालय ने 2023 में सकल वस्तु और सेवा कर में क्या है, 164.882 करोड़ रुपए जो है वो क्या किया, एकत्र किया। तो ये एक आंकड़ा है, ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आंकड़े ही हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनके
उभरा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रैंकिंग है, रैंकिंग आपको याद रखनी है, क्या है, दुनिया में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक दूसरा सेकेंड नंबर पर कौन हो गया है, तो वो इंडिया जो है वो हो गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगली तरफ चलते हैं, राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर चलेंगे। तो क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक हाटी समुदाय है, इसको अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया है। अनुसूचित जाति का दर्जा देता कौन है, तो इसको देते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक। फिर क्या है, जम्मू कश्मीर ने क्या किया, जम्मू कश्मीर ने विश्वकर्मा योजना को लागू किया, और इसी के साथ विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला ये क्या बन गया है, पहला यूटी बन गया, पहला केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है, ठीक है। तीसरी न्यूज क्या है, झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन में क्या की, जो इनकी एज थी 60 साल, इसको घटाकर कितनी कर दी है, 50 साल कर दी है, ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा संकल्पित और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, किस पे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे जो पहले नंबर पर है वो कौन है, यूपी है। सबसे ज्यादा जो एंट्रीज हैं वो किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर से एक खबर और है, वो क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ के मतलब पुलिस ने क्या किया है, लोगों के लिए, आवाम से आवाम के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें क्या है कि आपको सुविधा दी जाती है, मतलब जो आपकी शिकायतें हैं, जो आपके कंप्लेंट्स हैं, आप उसको ऑनलाइन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है वो लागू की गई है, कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अभी अभी मोहन यादव क्या है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक ठीक है। उसके बाद वीर पांड्या कट्टा बोम्बम की 265वीं जयंती पर क्या किया गया, बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की गई, ठीक है। ये क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बाकी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। बैलगाड़ी दौड़ का एक क्या किया गया, आयोजन किया गया, ठीक है। उसके बाद असम सरकार ने क्या किया है, 3 जनवरी से 8 जनवरी तक 40 छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है, जिसका नाम क्या है, गुणोत्सव 2024, क्लियर है। फिर उसके बाद अगला क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार 15 जनवरी 2024 तक विदेशी छात्रों को प्रवासी भरोसा बीमा, ठीक है, क्या प्रवासी भरोसा बीमा जो है वो पेश कर रही है, ठीक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये आपको नोट करना चाहिए, पश्चिम बंगाल की हथकरघा साड़ियों में 3 किस्म, तंगेल, कोरियल और गराड, ठीक है, इनको क्या दिया गया, इनको दिया गया है जीआई टैग, ठीक है, क्लियर है। तो जीआई टैग आप पिछली क्लासेस में भी बहुत सारी चीजों को मिला है, जैसे लाल बुनकर चीटियों को मिला है, पश्चिम बंगाल की शहद को मिला है, ठीक है, जिसे मोबन ब्रांड से बेचा जाता है, और वांजो लकड़ी को मिला है, ठीक है, और अदरक को मिला है, तो बहुत सारी चीजों को मिला है, आप पिछली क्लास में डिस्कस है, वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वाईएसआर पेंशन कनुका जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी ने यहाँ पर क्या किया, इसकी जो पात्रता थी वो 500 रुपये बढ़ा दी, पहले 2500 था, अब लोगों को क्या है 3000 रुपये मिलेगा। कैसे लोगों को, जो HIV पॉजिटिव हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो मतलब कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, उनके साथ कुछ दिक्कत है, दुविधा है, तो ऐसे लोगों को ये मासिक पेंशन जो है वो प्रदान की जाएगी, क्लियर है सभी लोगों को। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र को क्या है, ड्रोन हब बनाया जाएगा, ड्रोन हब बनाने के लिए तैयारी की जा रही है, ठीक है, क्लियर। एक मिनट दीजिएगा, कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक, हाँ। तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने जो मतलब देखिए क्या है, ये एक कोस्टल एरिया है, मुंबई है, ठीक है, वो क्या है, कोस्टल एरिया है, तो राज्य सरकारों ने आपदाओं के दौरान क्या किया, सुरक्षा, निगरानी, बचाव, इन सब चीजों के लिए क्या किया है, इसके ड्रोन तकनीक के उपयोग के लिए ड्रोन मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है,
आप सबको पता है मोस्ट हाईलाइटेड डेट है 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर की क्या है स्थापना है, और इसी स्थापना को लेकर छत्तीसगढ़ ने क्या किया है 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है। तो जो लोग छोटा मोटा पैक वैक मारते हैं उनको ड्राई डे के बारे में पता होगा, और जो नहीं मारते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ड्राई डे या फिर शुष्क दिवस वो होता है जब उस कहीं पर शराब जो है वो नहीं बेची जाती, मतलब जो वाइन शॉप्स हैं उनको बंद रखा जाता है। जैसे 2 अक्टूबर क्या है ड्राई डे होता है, 15 अगस्त क्या है ड्राई डे होता है, तो ऐसे दिनों पर इनकी बिक्री पर रोक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से एक और न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर ने क्या है मदरसा बोर्ड के स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो दिवस में आप देखेंगे 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, ठीक है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुख दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है, अभी हाल में आपके अगर एग्जाम्स आने वाले हैं तो 4 जनवरी को क्या है विश्व ब्रेल दिवस है, तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए होता है, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता उनके लिए होता है। 6 जनवरी विश्व यतीमों का दिवस, मतलब जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए, और 7 जनवरी को महायान नया वर्ष या फिर महायान न्यू ईयर। महायान आपको पता होगा बौद्ध धर्म की क्या है शाखा है, ठीक है, बौद्ध धर्म की शाखा है, और ये कब थी, बौद्ध धर्म की शाखा है जिसमें क्या है महायान है और हीनयान है, ठीक है, क्या है हीनयान और महायान, ठीक है। तो ये शाखा कब बटी थी, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटी थी, ठीक है, जब चौथी बार बौद्ध संगीति हुई थी तब ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। इस समय राजा कौन थे, तो इस समय राजा थे कनिष्क, जिनको क्या बोल दिया जाता है कभी कभी अशोक सेकंड, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। उसके बाद यहाँ पर आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक आप क्लास में बने थे, आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद, और लास्ट तक क्लास में जो लोग बने रहे वो मतलब ठीक ही है, वेरी वेरी थैंक यू सो मच आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बीच में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था तो आप उसको कमेंट करके उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, ठीक, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।